उस तरफ जाओ। जी सर। इसे भिजवा दे वहां। क्या डीसीपी, आप आओगे ऐसी उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी? मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जवान लड़के लड़कियों को तो छोड़ो, इन छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो तुम लोग। हमारे देश का भविष्य ये बच्चे हैं कहते रहते हैं हम लोग, और ऐसे बच्चों को लेकर तुम लोग बिजनेस कर रहे हो। कानून तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। मतलब मुझे अरेस्ट करोगे क्या? और क्या करूं? मेरे पास तुम्हारे बारे में, तुम्हारे इलीगल ऑर्गन ट्रेडिंग के बारे में गूगल से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। आई हैव इनफ एविडेंस टू अरेस्ट यू। अरेस्ट करोगे? जिस एविडेंस के बारे में तू इतना उछल रहा था, उसे जिसने दिया था उस आईएएस ऑफिसर शुभकर देशपांडे का क्या हुआ पता है तुझे? तुम लोगों ने शुभकर को तो मार दिया, लेकिन उसने जो एविडेंस कलेक्ट किया है वो अभी भी जिंदा है। यादव, अरेस्ट करो इन कमीनों को। हाँ दोपहर देखता क्या है। सॉरी सर, आपके हर बुलेट के बदले हमें 10 लाख मिला है। ऑफर अच्छा था, मना नहीं कर पाया। सी मिस्टर भरतराज, आप ऑनेस्ट ऑफिसर, ये मुझे पता है। मेरे मांगने पे भी एविडेंस नहीं दोगे ये भी मुझे पता था, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, तुम्हारी भी है। यू वॉन्ट टू सी? ये देखो। रुचु, आर यू ओके? मुझे कुछ भी नहीं होगा भरत। मैंने तुम्हारी ड्यूटी को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की, इन सब के बारे में मत सोचो। नो रुचु, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने छोड़ूंगा नहीं। कैसे घटिया लोग, एक औरत को शिकार बनाकर खेल खेल रहे हो। हिम्मत है तो मुझे फेस करो। यू लव योर फैमिली, तो एविडेंस मुझे दे दो एंड टेक योर फैमिली। भारत, इन पर ध्यान मत दो, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे मत हटना। I'm sorry. हमेशा कहता है तुम लोगों को अहिंसा से नहीं हिंसा से हैंडल करना चाहिए। Mr. Bharatraj and two sub-inspectors are killed in shootout happened between policemen and gangsters. Hey!
एक होता है गिव अप, दूसरा नेवर गिव अप। तुम्हें हमेशा फाइट करना होगा अन्याय के खिलाफ। तुम इंसाफ के साथ रहोगी तो कभी नहीं हारोगी। सही कहा भैया, मैं आप ही की बहन हूँ। जिंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं उसका हिम्मत से सामना करूंगी। अमू, 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 ये क्या कर रही हो? भैया, ये लो, पानी पियो, पी लो, ये लो। अमू, ये तुम क्या करने जा रही थी? हम सब लोग मर गए हैं क्या? खुदकुशी अगर समस्या का समाधान होता तो इस दुनिया में कोई नहीं बचता। तुम्हारा भाई होने के बावजूद उसने तुम्हें बेटी की तरह पाला है। तुम खुदकुशी करोगी तो क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? बोलो अमू, बोलो। भरत तुम्हारा भाई था लेकिन मेरी जान था वो। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात का दुख मुझे भी है। भरत और रचना की मौत के पीछे जो भी है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रहे, एक भाई का ये अपनी बहन से वादा है। सॉरी भैया, सॉरी, I'm sorry। गैंग वॉर में भरत मारा गया, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। बचपन में मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मैं अनाथ आश्रम में था। भरत के पिता ने ही मेरा हाथ थामा, मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आईपीएस करवा के मुझे पुलिस ऑफिसर बनाया। हमारा काम करने का तरीका भले ही अलग था पर मकसद एक ही था। रेड के लिए चार लोग गए थे ना? जी सर। भरत और दो ऑफिसर मर गए, सिर्फ तुम ही बच गए। तुम तो बहुत लकी हो। सब ऊपर वाले की दया साहब। ऊपर वाले की दया तो तुम पे कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए बीवी के नाम पे 50 लाख का फ्लैट खरीदा है। क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं साहब, ये सब तो मुझे सब पता है। इसमें कौन कौन मिला है मैं सब जानता हूँ। तुझ जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाता है। तुझे तो मैं चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। दो ऑप्शन देता हूँ तुझे। फर्स्ट ऑप्शन, मैं मारूंगा तो एनकाउंटर होगा और तेरी मौत के बाद तेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। चुप। सेकंड ऑप्शन, तू अगर अपने आप को मार ले तो ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ है बोलकर तेरा नाम होगा, तुझे सम्मान मिलेगा और तेरे परिवार को इज्जत की रोटी। सोच ले, चॉइस इज योर्स। अगर गलती से भी रिवॉल्वर मेरी ओर उठी तो उंगली उठने से पहले ही तेरी सांस रुक जाएगी। भी भरतराज ने सुसाइड किया, उसे प्लान करके मारा गया है। Yeah, I know। पुलिस वालों से पंगा लोगे तो क्या नतीजा होगा ये सबको दिखाना पड़ेगा। सर अगर आप परमिशन दें तो मैं दुर्गा प्रसाद की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में प्रूफ्स और एविडेंस इकट्ठा करूंगा। विल गो अंडरकवर बट आई नीड स्पेशल टीम फॉर दैट। गो अहेड अभिषेक, बट बी केयरफुल। होम मिनिस्टर से बात करके मुझसे जितना होगा मैं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर, वो अभिषेक वो अंडरकवर ऑफिसर है, ये हमें भी पता है। तू किस बात का कमिश्नर है?
अब सरकार की खाकी वर्दी पहन के कैप बैच स्टार लगा के सिर्फ बैठ गया है डैडी। सॉरी सर, उसके आने का असली मकसद वही था सर। जब हमने पता लगा लिया उसके बाद बताने का क्या फायदा? उस शुभकर ने कुछ एविडेंस और प्रूफ छुपा के रखा था क्या? वो अभिषेक को मिला है ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं सर, अभिषेक इज अ वेरी डेंजरस पर्सन। वो एनकाउंटर भी सिग्नेचर करने के जैसा करता है सर। उसकी तारीफ करने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन वो आपको टारगेट करके आया है सर। उस अभिषेक को यहाँ भेजा है होम सेक्रेटरी रघुनंदन ने सर। रघुनंदन? हेलो। नेताओं के साथ आगे पीछे घूम घूम कर आजकल तुम भी नेतागिरी करने लगे हो क्या? मेरे राज्य में आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस दुर्गा प्रसाद के पीछे पुलिस वालों को लगाया क्या? अभिषेक को बोलो कि वो इस केस को वापस ले ले। मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, अच्छे से जानते हो तुम। मेरी बात सुनो, मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर एक बात याद रखे, अभिषेक साइलेंट ऑफिसर नहीं है, वायलेंट ऑफिसर है। तुम्हारी धमकियों से वो डरने वाला नहीं है। इस समय वो आदि कहाँ है, उसे एक बार कॉल करो। सर उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है सर। फिर से एक बार कोशिश करो। ठीक है सर। सर रिंग हो रही है। हेलो। सर वहां देखिए। आदि सर फिर से उसी नंबर से फोन आ रहा है। कौन है तू? हाँ, किसने मारा मेरे बेटे को? ए, मैं तुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाया, यही सोच रही है ना? ए पागल, तूने मुझे किडनैप नहीं किया, मैंने तुझसे अपना किडनैप करवाया। मैं और मेरे भैया मिलकर एक छोटा सा चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं। इस बात का तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो जरा पीछे मुड़ के देख ले। कौन है तू? तुझे कौन बचाएगा ये सोच, मासूमों पे हमला करने वाले दरिंदे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फैमिली में तुझे जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, अगर वो मर जाए तो कैसा महसूस होता है, अब तुझे पता चलेगा दुर्गा प्रसाद। तुमसे मेरा क्या लेना देना है, है? बिहार DCP भरतराज। मैं वही DCP भरतराज की बहन हूँ। ज्यादा उड़ मत। भूल गई है क्या, तेरे भाई को कैसे मारा था मैंने? मैं कुछ भी नहीं भूली, उसी बात को तुझे याद दिलाने के लिए तेरे बेटे की लाश मेरे सामने पड़ी है। मेरे भैया अभिषेक भार्गव तेरे लिए यमराज बन के आए हैं। तेरी पलक झपकने से पहले ही तुझे यमलोक पहुंचाने के लिए तेरे सामने होंगे। बैठकर पार्टी करते हो? चल बे, चल मेरे साथ। या।
मिस्टर अभिषेक, उस दिन तो अकेले ही बोल रहे थे, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। दुख रहा है क्या? हंस ले, जितना हंसना है हंस ले, मरने से पहले हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हे, मेरी मौत आसानी से नहीं होगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे फ्रेंड भरत राज की वजह से तेरे सारे इल्लीगल धंधे बंद हो गए, तेरा मंत्री पद भी छिन गया। कानून ने मुझे सिर्फ मंत्री पद से हटाया है, मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है उसने। तुझे 4 दिन का टाइम दिया था ना खुद ब खुद सरेंडर करने के लिए। एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुझे अब फिनिशिंग टच की जरूरत है और वो मैं दूंगा। तू देगा या मैं दूंगा, देखें क्या। भैया, भैया, अभी ये सब क्या है? ये सब लोग बैड बॉयज है ना। बच्चों को वायलेंस नहीं देखना चाहिए। मैं 5 मिनट बाहर वेट करूंगी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगी, जल्दी आ जाना। मार दो इन्हें। तुम में से किसी ने भी मर्दानगी दिखाकर मेरी फैमिली को छूने की कोशिश भी की तो उसके बाद ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी मर्दानगी रहेगी। तू मेरे कब्जे में है, इसीलिए मुझसे अपनी जान की भीख मांग। सुन रे, जंगल का राजा कौन है, जरा मेरी आंखों में देख। शेर, बब्बर शेर, जंगल में भी वो शेर रहता है और पिंजरे में भी।
प्रसाद, कैसा लगा फाइनल टच? बस फिनिशिंग ही बाकी है, वो भी कर दूंगा। किसी की जान लेने से पहले तुम्हारे अंदर जान लेने की ताकत है या नहीं, ये तो चेक करना पड़ेगा। ना तो तुम माफी मांग सकते हो, ना माफी मांगने के लायक हो। तुम्हारा बुढ़ापा देखने के बावजूद तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। अपने किए की सजा तो तुम भुगतोगे। अभिषेक, नो कॉम्प्रोमाइज, फैसला ऑन द स्पॉट। अमो, सुनो सुनो सुनो।